हेलो स्टूडेंट्स आई एम अखिलेश मीना इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन ऑफ क्लास टेंथ ऑफ द चैप्टर नंबर वन दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के टू पार्ट्स हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जिनको हमें विद एग्जाम्पल्स डिस्कस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन का तो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन का मीन्स होता है यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब जब किसी एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड होती है वहाँ ऑक्सीडेशन होता है और जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है उसे ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट बोलते हैं तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन इज़ गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया है वन कार्बन डाई ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो तो स्टूडेंट्स यहाँ एच टू कन्वर्ट हुआ है एच टू ओ में मतलब एच टू में यहाँ पर ऑक्सीजन एड हुई है देखो एच टू ओ यहाँ फॉर्म हुआ है एज ए प्रोडक्ट्स तो यहाँ क्या हुआ है एच टू का ऑक्सीडेशन हुआ है ठीक है गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है ठीक है ना यहाँ देखो सिंगल है एच H2, टू इधर एच टू ओ हो गया मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन एड हुई है एच टू में इसे क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन ठीक है गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हेयर एच टू इज ऑक्सीडाइज टू एच टू ओ एच टू ओ का ऑक्सीडेशन किस में हुआ है एच टू का ऑक्सीडेशन किस में हुआ है एच टू ओ में ठीक है तो ऑक्सीडाइज कौन हुआ है एच टू ठीक है और दिस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल नंबर टू की तो स्टूडेंट वेन कॉपर मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कॉपर ऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट स्टूडेंट यहाँ पे ऑक्सीजन सिंगल है इस साइड में मतलब प्रोडक्ट साइड में कॉपर ऑक्साइड है तो यहाँ हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन एड हुई है ठीक है यहाँ ऑक्सीजन थी नहीं और यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो गई हम जानते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन तो यहाँ कॉपर का क्या हुआ है ऑक्सीडेशन मतलब कॉपर क्या हुआ है ऑक्सीडाइज हुआ है किस में कॉपर ऑक्साइड में ठीक है नेक्स्ट इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकेंड स्टूडेंट्स रिडक्शन रिडक्शन जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन का ठीक है ऑक्सीडेशन में क्या होता था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था मतलब गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था इधर क्या होगा यहाँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी आप बोल सकते हैं वहाँ ऑक्सीजन ऐड हो रही थी ऑक्सीडेशन में और यहाँ से क्या होगी रिमूव होगी ठीक है बिल्कुल उसका अपोजिट है रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन तो वो सेम केमिकल इक्वेशन हमने ली है मगर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर ऑल्सो स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुई है कार्बन मोनोऑक्साइड में मतलब नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पर टू थे इधर सिंगल है तो यहाँ वो दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ऑक्सीजन कम हुआ है मतलब रिड्यूज हुआ है ठीक है ना यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ है लॉस हुआ है टू आइटम्स से ऑनली सिंगल आइटम रह गया ठीक है हम इसकी बात कर रहे हैं सी यू टू कन्वर्ट हुआ है सी ओ में तो यहां क्या हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ठीक है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम जानते हैं कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसे बोलते हैं रिडक्शन के लिए ठीक है यहां पर रिड्यूज हुआ है सी ओ टू सी ओ में ठीक है थीके? तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस के लिए बोल देंगे हम रिडक्शन ठीक है यहां पे क्या हो रहा है रिडक्शन हेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूज टू कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ तो एज ई प्रोडक्ट्स जो हमको ऑप्टेंड हो रहे हैं कॉपर मेटल एंड वाटर यहाँ कॉपर ऑक्साइड था इस साइड में प्रोडक्ट साइड में कॉपर सिंगल रह गया यहाँ से लॉस किसका हुआ है ऑक्सीजन का ठीक है ना यहाँ क्या हुआ लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है जिसे हम रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है सी का रिडक्शन हुआ है ठीक है मतलब सी रिड्यूस्ड हुआ है किसमें सी यू में ठीक है तो ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो इन रिडक्शन बोलते हैं जहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है और जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडेशन होता है ओके फ्रेंड्स आई होप ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपके समझ आए होंगे थैंक्स फॉर वॉचिंग